और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में आज धुआंधार प्रचार करेगी बीजेपी। आज बीजेपी जारी करेगी अपना संकल्प पत्र, पीएम से लेकर सीएम योगी तक प्रचार करेंगे। और पश्चिमी यूपी में सीएम योगी और अमित शाह प्रचार करेंगे, पीएम मोदी वर्चुअली जन चौपाल रैली भी करेंगे। और मैनपुरी में अखिलेश यादव रैली करेंगे, वहीं अलीगढ़ में मायावती जनसभा को संबोधित करेंगे। तो तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली रैली करेंगे, मायावती भी जनसभा को संबोधित करेंगी। मैनपुरी में आज अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज सुपर सियासी संडे रहने वाला है। आज भी बीजेपी सहित सभी पार्टियां प्रचार में अपना दम दिखाएंगी। आज बीजेपी लखनऊ में अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करेगी, जिसमें सीएम योगी समेत अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा पीएम मोदी वर्चुअल जन चौपाल रैली करेंगे, जो कि बुलंदशहर, मथुरा और आगरा की विधानसभाओं में वर्चुअली होगी। इसके अलावा सीएम योगी आज मथुरा में प्रचार करने के लिए आएंगे, वहीं पर पीएम की जन चौपाल रैली में भी शामिल होंगे। तो वहीं बागपत अमरोहा में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। इसके अलावा आज अलीगढ़ में मायावती की जनसभा होनी है, हमीरपुर में राजनाथ सिंह जनसभा करेंगे। तो उधर अखिलेश यादव अपने विधानसभा क्षेत्र करहल में प्रचार करेंगे, मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी भी प्रचार करेंगे। तो छह तस्वीरें, सियासी सुपर संडे है आज। बीजेपी के तमाम दिग्गज, बीएसपी अध्यक्ष मायावती, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, ये तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार के लिए आज मैदान में। दोपहर 1:30 बजे यूपी में जन चौपाल रैली है, आगरा, मथुरा और बुलंदशहर में सीधा प्रसारण इसका किया जाएगा। शाम 4:30 बजे गोवा में भी वर्चुअल रैली है, नॉर्थ गोवा में 20 जगहों पर इसका प्रसारण किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी आज वर्चुअल रैली करेंगे, अलीगढ़ मथुरा में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी दोपहर 1:15 पर माठ मथुरा के विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे, पीएम मोदी की जन चौपाल रैली में भी वो शामिल होंगे, वर्चुअली तौर पर जुड़ेंगे। दोपहर 2:15 पर माठ विधानसभा क्षेत्र में दौरा करेंगे, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। और सुबह 10:15 पर लोक कल्याण संकल्प पत्र, जिसका नाम बीजेपी की तरफ से दिया गया है, घोषणा पत्र जारी किया जाएगा बीजेपी की तरफ से, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। और तमाम दिग्गज आज चुनाव प्रचार के लिए मैदान पर भी हैं। बागपत, बिजनौर और अमरोहा में गृहमंत्री अमित शाह की जनसभाएं हैं, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। 10:30 बजे बागपत पहुंचेंगे, दोपहर 1:30 बजे बिजनौर की विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे, दोपहर 2:30 बजे गजरौला और अमरोहा में गृहमंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम तमाम दिग्गजों के आपको बता रहे हैं। सुबह 10:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक गृहमंत्री अमित शाह तमाम पश्चिमी यूपी के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वहीं गोवा में भी बीजेपी का घोषणा पत्र आज जारी किया जाएगा, गोवा में बीजेपी का आज घोषणा पत्र जारी होगा। यूपी में भी 10:15 बजे बीजेपी अपना लोक संकल्प पत्र जारी करेगी, देखना होगा कि कौन से बड़े वादे बीजेपी की तरफ से इस बार किए जा सकते हैं। मैनपुरी में कार्यकर्ता संवाद करेंगे अखिलेश यादव, दोपहर 3:00 बजे करहल में रैली है, करहल से वो चुनावी मैदान में है। और मैनपुरी में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में भी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचेंगे, दोपहर 3:00 बजे करहल में उनकी रैली है, रैली में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। शामली और मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी भी आरएलडी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे, शामली और मुजफ्फरनगर के तमाम विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। और इसके अलावा दोपहर 12:00 बजे देवबंद और सहारनपुर में असदुद्दीन ओवैसी की भी रैली है, दोपहर 12:00 बजे देवबंद और सहारनपुर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पहुंचेंगे और AIMIM के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे, प्रचार करेंगे। तो दोपहर 12:00 बजे देवबंद और सहारनपुर में ओवैसी की भी रैली है। तो सुबह 11:30 बजे अलीगढ़ में मायावती भी जनसभा को संबोधित करेंगी, बीएसपी के तमाम कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगी, साथ ही साथ जनता को भी संबोधित करेंगी। तो तमाम दिग्गज अलग अलग राजनीतिक दलों के आज आपको मैदान में दिखाई देंगे।